रविवार 5 मई को मुंबई इंडियंस आईपीएल के 12वें सीजन का अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। रिकॉर्ड 8वीं बार आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंची मुंबई इंडियंस की निगाहें पॉइंट टेबल में नंबर 1 या नंबर 2 पर बने रहने पर होगी। इस मैच में मुंबई के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुंबई पहले ही हैदराबाद को हराकर 16 अंकों के साथ आईपीएल के 2019 के प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। ऐसे में एक सवाल ये भी है, क्या मुंबई फिर से सिक्सर किंग युवराज सिंह को एक मौका देगी? आईपीएल 2019 में 1 करोड़ की कीमत में खरीदे युवराज सिंह को मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 4 मैच खिलाए हैं। 4 मैचों में युवराज सिंह ने 24.50 के औसत से 58 रन बनाए हैं, जिनमें उन्होंने एक अर्धशतक भी जड़ा है। युवराज सिंह के बल्ले से आईपीएल के 12वें सीजन में 7 चौके और 6 छक्के निकले हैं। हैरान करने वाली बात तो ये भी है, युवराज सिंह को फॉर्म के आधार पर ड्रॉप किया गया था, लेकिन इस नंबर पर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। युवराज सिंह की जगह कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान किशन को टीम में जगह दी। ईशान किशन ने टीम के लिए 4 मैच खेले, लेकिन इन 4 मैचों में ईशान किशन के बल्ले से केवल 50 रन निकले। ऐसे में ईशान किशन को भी ड्रॉप किया और वेस्टइंडीज के इवॉन लुइस को मौका दिया। इवॉन लुइस भी मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। इवॉन लुइस ने 3 मैचों में 48 रन बनाए। ऐसे में एक बार फिर मुंबई इंडियंस शायद युवराज सिंह को मौका दे सकती है, जिसके चांस भी सबसे ज्यादा हैं। आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए द क्रिकेट इनसाइट को सब्सक्राइब करें। द क्रिकेट इनसाइट की रिपोर्ट्स।